प्यारे बच्चों नमस्कार, स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर फोकस करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर काम कंप्लीट कर लिया था और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। लेकिन हम उसके ऊपर आए उससे पहले एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ में हम लोग करेंगे। आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और आप सभी एक ऐसे एज से या ऐसी उम्र से गुजर रहे हैं जिसमें कि आपको गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्से को कोशिश करा करिए बच्चों कि आप नियंत्रण में रख सकें, क्योंकि कभी कभी ये गुस्सा हमारे लिए ही नुकसानदायक हो जाता है। कभी कभी गुस्से में आके हम अपने मित्रों के साथ में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, कभी कभी अपने माता पिता को भी बुरा भला कह देते हैं, और कभी कभी तो हम अपने शिक्षक के सामने भी कुछ बुरा व्यवहार कर जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे संस्कारों में कहीं से कहीं तक नहीं है। जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है या जिन जो हमारे साथ में खेलते कूदते हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनके प्रति किसी भी रूप में गुस्सा व्यक्त करना या उनका अनादर करना बिल्कुल ही गलत है, ठीक। और इससे आप ही का नुकसान होगा। आप गुस्सा करेंगे, बुरा बोलेंगे, अंदर ही अंदर दिमाग में आप उसके विषय में बार बार सोचेंगे, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मारपीट हो सकती है, और कभी कभी ये छोटी छोटी लड़ाई झगड़ा या छोटी सी बात से पैदा हुआ विवाद बहुत बड़े रूप में आ जाता है, और ऐसा अक्सर आप अपने आसपास देखते भी होंगे। इसलिए चीज़ों को उलझाइए मत, सरल करिए। अगर कहीं पर विवाद बन रहा है तो आप एक ऐसे इंसान बनने की ओर आगे बढ़िए जो चीज़ों को सॉल्व करता है, प्रश्नों का हल निकालता है। जैसे हम गणित के सॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आसानी से, वैसे ही लाइफ के भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आसानी से हल करिए, आराम से हल करिए, बिना किसी विवाद के, बिना किसी टेंशन के। तो आप लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाले व्यक्ति मत बनिए। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो उसको खत्म करने की भूमिका अदा करने वाला व्यक्ति बनिए, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। तो ये एक छोटी सी बात थी जो हमें लाइफ में काम आ सकती है, इसलिए आपको बताई। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो एक्सरसाइज 1.4 है उसको शुरू करने से पहले हमें बेसिकली कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये वास्तव में थ्योरम नंबर 1.5, 1.6 और 1.7 है बेसिकली, और ये एक्सरसाइज को करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये दोनों थ्योरम्स हमसे तीन थ्योरम्स हैं, ये हमसे क्या कहती हैं बारी बारी से मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। आप लोगों को ये पता है कि जो रैशनल नंबर है, हिंदी में जिसे परिमेय संख्या कहते हैं, जो रैशनल नंबर है उस रैशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां पर P और Q जो होते हैं दोनों ही पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। I का मतलब पूर्णांक है ना, और जो Q है वो शून्य नहीं होता है। तो हम इसको एक परिमेय संख्या या एक रैशनल नंबर कहते हैं, ओके। अब ये जो रैशनल नंबर है इसकी आपको खासियत भी पता है। क्या खासियत है इस रैशनल नंबर की? एक खासियत होती है कि अगर आप इसको डेसिमल यानी कि दशमलव रूप में प्रसारित करेंगे तो दो ही संभावनाएं बनेंगी। जब आप इसको दशमलव रूप में बदलेंगे तो दो ही संभावनाएं बदलेंगी, क्या बनेंगी, क्या बनेंगी? एक कि या तो ये जो एक्सपेंशन है, ये जो एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेड होगा, रिपीटिंग होगा, ठीक है ना, रिपीटिंग, ठीक है ना, रिपीटिंग होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ खास नंबर बार बार रिपीट होंगे दशमलव के बाद में। ये इसकी खासियत होती है, किसकी? रैशनल नंबर की, जब इसको दशमलव रूप में बदला जाता है। यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे कि जब हम इसे दशमलव रूप में बदलते हैं तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, ठीक, ये शांत मिलेगा आपको, यानी कि इसका दशमलव कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, मतलब जो दशमलव के बाद नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है अशांत, अशांत का मतलब होता है कि जो दशमलव प्रसार रुके ही ना। और आवर्ती का मतलब होता है कुछ खास नंबर बार बार रिपीट होंगे,
ठीक है, अब ये दोनों जो हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स हैं अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि हर बार मैं दोनों वर्ड्स बोल पाऊँ ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये समझना है कि सर यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब हम किसी भी रैशनल नंबर या परिमेय संख्या का डेसिमल यानी कि दशमलव रूप में प्रसार करते हैं तो इन दो संभावनाओं के अलावा कोई तीसरी संभावना नहीं बनती है। लेकिन अब हम पहचाने कैसे कि ये जो रैशनल नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है, परिमेय संख्या लिखी हुई है, ये इस कैटेगरी की है कि इस कैटेगरी की है। तो इस कैटेगरी के लिए या इस तरह के रैशनल नंबर को पहचानने के लिए जिसमें कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग हो, शांत हो, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने के लिए एक थ्योरम हमारे पास में है। वो थ्योरम हमसे ये कहती है, क्या कहती है वो थ्योरम? वो थ्योरम हमसे ये कहती है कि ये जो Q है, आप इस Q का एक्सपेंशन कीजिए, सॉरी इस Q का गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइजेशन करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। क्या करिए? प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। और अगर आप इस Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और ये 2^n और 5^m के रूप में आ जाता है, मतलब जो फैक्टर्स हैं वो इस रूप में आते हैं, ठीक है ना, मतलब 2 आए उसमें और 5 आए, इसके अलावा कुछ ना आए, 2 की पावर कुछ हो सकती है, 5 की पावर कुछ हो सकती है, तो इनके अलावा अगर कुछ भी ना आए तो वो शांत कैटेगरी का डेसिमल एक्सपेंशन देगा आपको, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। मैं फिर से बताता हूं इस चीज को कि कोई भी रैशनल नंबर या परिमेय संख्या में अगर ये जो हर है ऊपर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, ये जो नीचे वाली चीज है अगर इसका हम गुणनखंड करें यानी कि फैक्टराइजेशन करें और वो इस रूप में आए तो वो जो परिमेय संख्या है जिसके लिए आपने ये काम किया है नीचे वाली चीज का, वो इस कैटेगरी का होगा यानी कि टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन देगा आपको डेसिमल में। अब इसी तरह से भाई आपने इसका फैक्टराइजेशन किया और वो इस रूप में आया तो टर्मिनेटिंग, और इसी थ्योरम को उल्टे रूप में, मतलब अभी आप यहां से इधर गए अब इधर से इधर आएंगे, वो थ्योरम क्या कहता है? वो दूसरा वाला जो अगला थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर आपको डिनोमिनेटर में यानी कि जो x है वो इस रूप में दिया हो, कैसे दिया हो, p अपॉन 2^n और 5^m के रूप में अगर दिया हुआ हो तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा x का ये हमेशा क्या होगा, शांत होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा। सो बात एक ही है, अगर इस रूप में आया ठीक तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर पहले से ही दिया हुआ है इस रूप में तो ये फिर क्या होगा, ये भी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन देगा आपको डेसिमल के रूप में। अब जरा ध्यान दीजिए कि बेसिकली वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि 5^10 यानी कि कहीं ना कहीं आपको जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, भले ये n और m कुछ भी हो, ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली ये जो दोनों के लिए n और m है, n और m जो है दीज आर पॉजिटिव या जिसे कहें कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इंटीजर्स, ठीक है ना, यानी कि ये जीरो हो सकता है n और m लेकिन नेगेटिव नहीं होगा कभी भी, क्लियर। तो यहां पर आपको कुछ भी मिल सकता है, मतलब कि अगर आपको मान लीजिए 2^1 इंटू 5^2 मिले तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो शांत मिलेगा, अगर आपको 2^0 इंटू 5^3 यानी केवल 5^3 मिले तो एक तरह से 2^0 है वो और कुछ नहीं है तो भी आपको जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या मिलेगा, शांत मिलेगा। अगर आपको मान लीजिए 2^3 और 5^0 यानी 2^3 मिले केवल तो भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो शांत कैटेगरी या टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेन ये था यहां पर कि जो n और m है वो कुछ भी हो सकते हैं, बस नेगेटिव नहीं होंगे, है ना, और इंटीजर के फॉर्म में होंगे। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कि अगर कोई परिमेय संख्या या रैशनल नंबर हमें दिया हुआ है तो उसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे या दशमलव प्रसार करेंगे, दशमलव रूप में प्रसार करेंगे तो वो दशमलव प्रसार खत्म होगा कि नहीं होगा, ये कैसे हम पहचान सकते हैं उस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर या उस परिमेय संख्या के हर को देखकर। अगर वो इस रूप में हुआ किसी भी, इन दोनों में से किसी भी रूप में हुआ
तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन इस कैटेगरी में आएगा। अब प्रश्न ये आता है कि भैया ये किस कैटेगरी में आता है, तो बहुत ही आसान है भैया, बहुत आसान है। जब इन दोनों के अलावा कोई और प्राइम नंबर इस क्यू के गुणनखंड में या फैक्टराइजेशन में आ जाए, तो वो जो भी रैशनल नंबर होगा उसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो वो अशांत आवर्ती कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये जो q है, ये q इस रूप में आ जाए, q इज इक्वल टू 2^m या 2^n इंटू 5^m इंटू एनी अदर प्राइम नंबर, कोई और प्राइम नंबर हो इन दोनों को छोड़कर, ठीक है, 3 हो जाए, 7 हो जाए, 11 हो जाए या एनी अदर प्राइम नंबर, ठीक है ना, 11 हो जाए, 13 हो जाए, 17, 19 कुछ भी अगर हो जाएगा, तो फिर इस तरह का आपको क्या आवर्ती एक्सपेंशन मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड एक्सपेंशन मिलेगा, किसका, इस रैशनल नंबर का, ठीक है। नीचे बेटर कुछ भी हो सकता है, नीचे हो सकता है 3 × 5 आ जाए मान लीजिए, तो भैया 3 × 5 मतलब 5^1 तो है, लेकिन 2^0 के अलावा ये 3^1 भी है, तो जिसके नीचे 15 होगा उसका जो एक्सपेंशन है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होगा, रिपीटेड होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, ठीक है। अब इसके अपन लोग कुछ एग्जाम्पल समझ के देखते हैं कि बेसिकली अपन ने जो समझा है वो है क्या वास्तव में। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है, सपोज दैट कहीं पर लिखा हुआ है 13/15, ये लिखा हुआ है, तो हम इस, ये एक परिमेय संख्या है, हम इस नंबर को लिख सकते हैं 3 × 5 मतलब ये बेसिकली 3 × 5। अब ये इस कैटेगरी में तो आ नहीं रहा है, ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ये इस कैटेगरी में आ रहा है, मतलब कि जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेड होगा, यानी अशांत और आवर्ती होगा, ठीक है। और आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो जैसे 13 में आप 15 का जब डिवाइड करोगे तो सबसे पहले तो डिवाइड होगा नहीं, तो 0 पॉइंट लग जाएगा, फिर यहां पर आप 0 लगा लोगे, फिर आप जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 15 8 120 हो जाएगा बेसिकली, तो यहां पर 8 हो जाएगा, और फिर यहां पर 10 बचेगा, फिर 10 बचेगा 0 लगाओगे तो उसके बाद में फिर 6 टाइम जाएगा, 15 × 6 = 90 हो जाएगा, फिर 90 इसमें माइनस करोगे फिर 10 बचेगा, और फिर उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में फिर आप 100 बचा था, ठीक है, फिर 90 फिर 0 लग जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 6 फिर 6 फिर 6 और फिर 6, और इसी तरह से ये चलता रहेगा। इट मींस दैट 13/15 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इस रूप में होगा बेसिकली, जिसको कि आप 0.86 बार भी लिख सकते हैं, मतलब 6 इसमें रिपीट हो रहा है। तो समझ में आया कि नहीं आया, ये इस कैटेगरी, सेकंड वाली कैटेगरी का है। अब इस कैटेगरी का लेके देखते हैं, मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए 7/10, तो 7/10 का जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, या मान लीजिए 7/10 की जगह हम लोग लिख देते हैं यहां पर 35/10, ठीक, तो जब आप 10 से इसमें डिवाइड करोगे तो बेसिकली आएगा कितना, ये आ जाएगा 3.5, यानी कि देखिए डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया ना, 5 के बाद में कोई नंबर नहीं आ रहा है। और इसी तरह कोई भी आप नंबर ले लीजिए, नीचे कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लीजिए जिसमें कि 2^m और 5^n के रूप में गुणनखंड आए, तो उसका जो एक्सपेंशन है वो हमेशा टर्मिनेटिंग ही होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक, क्या रखना है आपको, जो भी प्रश्न दिए जाएंगे सबसे पहले उसको अगर पहचानना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तो आपको उसमें सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, और फिर देखना पड़ेगा कि इनमें से वो किस कैटेगरी में आ रहा है। और साथ में कुछ चीजें और अपने दिमाग में रखिएगा, आपको ये पता है कि जब हम किसी भी नंबर में 10 का डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया मान लीजिए 3857, और अगर मैं इसमें 10 का डिवाइड करूंगा तो अभी फिलहाल डेसिमल यहां पर है, अगर मैं 10 का डिवाइड करूंगा तो ये आंसर आएगा 385.7।
अगर इसमें 10 की पावर 2 होती तो ये डेसिमल यहां लग के यहां लग जाता, अगर इसमें पावर 3 होती तो ये डेसिमल पावर मतलब हम 1000 का डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो डेसिमल है ये तीन स्थान इधर खिसक जाता, अगर इसमें 10 की पावर 4 होती तो ये जो डेसिमल है वो यहां खिसक जाता। तो इस चीज को आप थोड़ा सा अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा क्योंकि इसकी कहीं कहीं जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। अब इतने लॉजिक के बाद में आप आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों, आप आसानी से एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 1.4। जो एक्सरसाइज 1.4 है उसका जो पहला प्रश्न है वो हमसे कहता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे, हिंदी में इसमें लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत, बहुत ही एक छोटा सा वर्ड है दो अक्षरों का, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हिंदी में शांत या अशांत आवृत्ति है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। और उसमें कुल मिलाकर हमें 10 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और उसके लिए जो तीन चीजें आपने पढ़ी है बस उनको दिमाग में रखिएगा, उन तीन थ्योरम्स को। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि जो पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न में हम लोगों को क्या कहा है, हम लोगों को जो पहला प्रश्न है उसमें दिया जो नंबर है वो है गिवन या दिया है, हिंदी में इसको लिखेंगे दिया है, है ना, 13 अपॉन 3125, ठीक नीचे ये लिखा हुआ है, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो आपको नंबर है, अब आप यहां पे लिखिएगा क्या लिखिएगा, बिकॉज अब 3125 का आपको फैक्टराइजेशन करना है, क्या करना है फैक्टराइजेशन, तो आप चाहो तो वहां रफ में कर लो, जैसे 3125 का जब एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले भाई आप देख लीजिए कि 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 3 से तो नहीं जा रहा है, आप 5 से करिए डायरेक्ट, तो 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, फिर आप 5 से करेंगे तो ये जाएगा आपका कितनी बार, इट इज 125, फिर 5 से करेंगे तो ये जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 और ये फिर 5 से करेंगे तो एक बार, यानी कुल मिलाकर जो 5 की पावर आ रही है वो आपके पास में आ रही है 5, यानी इसको आप लिख सकते हैं 5 रेस टू द पावर 5, और इसी को आप लिख सकते हैं 5 रेस टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है इसका जो डिनोमिनेटर है उसका जब आपने फैक्टराइजेशन किया तो वो 5 रेस टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 0 के रूप में आ गया है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे सिंस द डिनोमिनेटर इज कैन बी एक्सप्रेस एज 2 टू द पावर m इंटू 5 रेस टू द पावर n, सो गिवन रैशनल नंबर, व्हाट गिवन रैशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया। हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूं आपको, भाई ये तो दिया हुआ है फिर ये तो आप लिख ही लेंगे, अब यहां पर आप लिखेंगे क्या, चूंकि दिए हुए परिमेय संख्या के हर को हम 2 की घात m और 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं, अतः दिया हुआ परिमेय संख्या एक शांत प्रकार का दशमलव प्रसार देगी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले इसको चाहो तो दोबारा सुन लेना रिपीट करके, तो पीछे प्लेबैक करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिखना क्या है।
मेन चीज समझना थी कि भैया कि हम इस डिनोमिनेटर को इस रूप में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। अगर लिख पा रहे हैं तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नहीं लिख पा रहे थे तो ये फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड हो जाता। लेकिन यहां पर ये टर्मिनेटिंग है और क्या है, इस रूप में है। समझ में आया कि नहीं? तो हिंदी में ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन आपको देगा? शांत प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन देगा। और अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। और इस प्रश्न के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। क्या बता देता हूं? जो आपका दूसरे प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में आपसे कहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 में जिनका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि सात प्रकार का दशमलव प्रसार है, आप उसको डेसिमल यानी कि दशमलव रूप में भी लिखिए। तो अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया इस नंबर का, तो अगर आपको इस नंबर को डेसिमल रूप में यानी दशमलव के रूप में लिखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे? तो इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है बेसिकली, केवल इतना, ठीक है? ये आप अलग से करिएगा, है ना? तो डेसिमल फॉर्म ऑफ यानी कि दिए हुए परिमेय संख्या का दशमलव रूप 31 अपॉन 3125 को तो हम पहले ऐसे लिख दें 13 अपॉन 5 रेस्ट टू द पावर कितना 5। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहां पर नीचे 2 की पावर 5 ले आए तो नीचे 10 बन जाएगा, और फिर उस केस में जितनी उसकी पावर होगी उसके अनुसार हम दशमलव को आगे पीछे घिसका सकते हैं। यानी नीचे आप बस 10 की पावर बना दीजिए तो अपना काम बन जाएगा। अब ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, आप 2 की पावर 5 और नीचे भी 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे यानी गुणा और भाग, ताकि ये कट जाए तब भी कोई आपको फर्क न पड़े, यही वापस आ जाए। लेकिन ऐसा करने से अब होगा क्या भैया, ये तो है 32 यानी कि 13 into 32, और नीचे आप लिख सकते हैं इसे 5 into 2 की पावर 5, है ना? दोनों की पावर को 5 थी तो इस रूप में लिख दिया। अब जब आप 13 और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां तक मेरा ख्याल है कि इट इज 320, ये 320 हो जाएगा, जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 में करेंगे तो 96 हो जाएगा, तो इट इज 6 और इट इज 1 और इट इज 4, यानी कि बेसिकली ये आ जाएगा आपके पास में 416 और नीचे आ जाएगा 10 की पावर 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो दशमलव अभी यहां पर है वो 5 स्थान पीछे खिसकाना है आपको। तो जब आप 5 टाइम आगे खिसकाएंगे, इस तरफ लेफ्ट साइड में खिसकाएंगे इस डेसिमल को, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। देखिएगा जरा ध्यान से, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले तो 00416। अब यहां से 5 टाइम इधर खिसकाइए तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी आंसर आएगा आपके पास में 0.00416। ये किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को डेसिमल रूप में बदलने का तरीका है किसी रैशनल नंबर को। तो ध्यान दीजिएगा उसके लिए करना क्या होगा भाई, अगर वो 2 की पावर m और 2 की पावर n के रूप में आ गया है तो आप बस 2 और वो 5 की जो पावर है उनको बराबर कर दीजिए और नीचे 10 बना दीजिए बस किसी तरह से, तो आप आसानी से फिर ऊपर जो भी संख्या होगी उसके अनुसार, बस जो ये 10 की पावर होगी उसके अनुसार डेसिमल को आगे पीछे खिसका दीजिए जैसी आपकी जरूरत है, और बेसिकली उसको आगे खिसकाना होगा लेफ्ट साइड में, तो आपको आसानी से इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में मैंने आपको हर चीज बताने की प्रयास किया है जो कि आपको आने वाले प्रश्नों में भी काम आएगा, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इट इज वेरी इजी, उसमें लिखा हुआ है, दिया है, अब मैं इसको हिंदी में करता हूं, दिया है हिंदी में, प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा हुआ है 17/8, और इस 17/8 को हम लोग लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3। 8 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहां हर को ये 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 into 5 की पावर 0 के रूप में लिखा जा सकता है,
लिखा जा सकता है। अतः अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। आई रिपीट, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो शांत होगा, मतलब पूरी की पूरी यही थ्योरी लिखनी है आपको यहां पर। अब उसका जो डेसिमल फॉर्म है यानी दशमलव रूप है वह संख्या, ये क्वेश्चन नंबर टू के लिए बेसिकली, वह संख्या का दशमलव रूप, जो दशमलव रूप है यानी कि द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर इज, क्या आपको नंबर दिया था, इट इज 17/8 यानी कि 17/2 to the power 8, ठीक है ना, ये 2 to the power 3 था बेसिकली, लेकिन ये नंबर इतना छोटा है नीचे 8 कि आप आसानी से खुद ही डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप 5 की पावर उसका मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करोगे ना तो भी काम बन जाएगा। जैसे यहां पर 8 लिखा है ना, तो इस 8 में 8 को आप डिवाइड करिए 17 से, 17 में डिवाइड करिए तो इट इज 2 point, दो बार तो चला जाएगा, फिर 1 बचेगा 0 बन जाएगा, फिर 1 आ जाएगा यहां पे 8 1 8, फिर 2 हो जाएगा 16, 2 टाइम चला जाएगा, और उसके बाद 4 बचेगा तो 5 टाइम चला जाएगा। तो दिस इज 2.125 इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8। अगर यहां नीचे बड़ा नंबर होता, फॉर एग्जांपल यहां पर कुछ 2 की पावर 6 या 2 की पावर 3 इस तरह, या 2 की पावर 3 तो था ही सही, कोई बड़ा नंबर होता नीचे है ना, यानी कि 1000 से बड़ा टाइप कोई नंबर होता, तो उस केस में फिर हम उसको 5 की पावर से बैलेंस करने का प्रयास करते, ठीक है ना। लेकिन यहां पर तो इजीली डिवाइड हो रहा था तो आपने कर दिया और इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपने निकाल लिया। समझ में आया? तो एक प्रश्न मैंने पूरा इंग्लिश में लिखा, एक प्रश्न हिंदी में लिखा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि हमें करना क्या था बेसिकली, ठीक। तो ये प्रश्न यहां पर समाप्त हो गया और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों। अब जो थ्योरी है ना बच्चों, वो थ्योरी मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, वो आप लिखते रहिएगा, मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट आपको करवा देता हूं प्रश्न। जैसे जो अगला थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाले में लिखा हुआ है 64/455। अब अगर इस 455 का हम फैक्टराइजेशन करें तो ये 5 से ही जाएगा, सबसे पहले 5 यहां पर हो जाएगा 9 और ये 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद में जाएगा ये 7 से 13 टाइम और फिर ये जाएगा 13 से, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 64/5 × 7 × 13। और अगर आप ध्यान से देखें कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 to the power 5 और (5^m) के रूप में नहीं है, 2 × 5 के रूप में नहीं है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि हर को 5^m × 2^n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। इंग्लिश में इसको कैसे लिख देंगे मैं यहां पे बता देता हूं, बिकॉज द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इज कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज 5^m × 2^n, सो द गिवन नंबर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है बच्चों। तो यहां पर बेसिकली जो पहचान थी वो ये थी कि 2^m और 5^n के रूप में आपको एक्सपेंशन नहीं मिल रहा था, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन नहीं मिल रहा था बेसिकली, ठीक है। तो आपने लिख दिया चूंकि हर को के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर।
तो ये तीसरा प्रश्न भी यहाँ पर समाप्त हो गया। अब आते हैं हम लोग चौथे के ऊपर। तो चौथा जो प्रश्न है, फोर्थ वाले में आपको क्या दिख रहा है, इट इज 15/1600। तो सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से देखें कि ऊपर और नीचे दोनों ही 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दोनों में कॉमन है मतलब, तो आप 5 को तो कैंसिल कर दीजिए पहले। अब जब आप जैसे ही 5 को कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाता है, 5 से अगर कैंसिल करें तो ये आ जाता है 3/, और इट इज 3 और 1, यानी कि 2 और 3 20। ये आपके पास आ जाता है 3 20। अब आप 3 20 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 3 20 को आप लिख सकते हैं, आइए यहां पर देखते हैं, 3 20 को जब आप 2 से करेंगे तो इट इज 2, यहां पर हो जाएगा 16 0, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 80, फिर 2 से करेंगे 40 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 20 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5 हो जाएगा, और फिर लास्ट में 5, यानी कि 2^6 और 5, यानी कि 2^6 इंटू 5^1 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग यानी कि शांत टाइप का होगा, तो आप यहां पे लिख दीजिएगा, सिंस द डिनोमिनेटर इज 2^6 एंड 5^1, सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। हिंदी में क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ है, चूंकि हर को इस रूप में यहां पर नहीं की जगह लिखा जा सकता है, अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, दैट्स ऑल, खत्म। अब इसका जो वो है क्या है, अगर आप ध्यान से देखें कि अगर हमें इसका लुक एट दैट, इसका अगर हमें डेसिमल फॉर्म फाइंड करना है यानी दशमलव रूप फाइंड करना है, तो वो जो डेसिमल फॉर्म है, दिस इज डेसिमल फॉर्म जो है, वो डेसिमल फॉर्म फाइंड करने के लिए आप एक काम करिएगा भाई, जैसे कि ये 15/1600 को हमने 3/2^6 और 5^1 लिखा, तो अब आप एक काम करिए, अब भाई नीचे वाला संख्या तो काफी बड़ी है, ठीक है ना, और या तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए, और या फिर क्या कहते हैं, आप इसको बना लीजिए उस रूप में जिस रूप में आपसे अभी हमने डिस्कस किया था। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है इसको बराबर करने के लिए हमें 5^5 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 5^6 हो जाएगा, और ये आपके पास में आ जाएगा 3 × 5^5 को हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं जहां तक मेरा ख्याल है कि 5^6 को हमने लिखा था कितना, इट इज 3125, जो क्वेश्चन नंबर 1 का डिनोमिनेटर था वो यही था, तो इट इज 3125 डिवाइड बाय, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 2 × 5^6, जिसको कि हम लिख सकते हैं, इनका जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये आपके पास में आ जाएगा कितना, इट इज 3 3 9, यानी कि 9, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट इज 375 डिवाइड बाय 10^6। अब इस 10^6 का मतलब है कि जो डेसिमल है वो 6 टाइम्स इस तरफ खिसक जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 0.009375। सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस, मतलब कि इस प्रश्न में हमने पहले ये पता किया कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो भैया टर्मिनेटिंग था। अब टर्मिनेटिंग था तो वो जो नंबर था उस नंबर का हमने डेसिमल एक्सपेंशन भी निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा है ना कि जिन भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालिए यानी डेसिमल फॉर्म भी निकालिए, तो हम ये साथ में ही काम करते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4th भी कंप्लीट हो गया। जो 5th है, 5th वाले में अगर आप ध्यान से देखें तो जो 5th क्वेश्चन है उसमें जो नंबर दिया है वो दिया हुआ है 29/343, और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये 343 को हम कुछ लिख सकते हैं। चलिए आइए चेक करते हैं कि 343 को हम कुछ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो इट इज
थ्री फोर थ्री का अगर हम फैक्टराइज करें तो भैया तीन का डिवाइड तो इसमें जा नहीं रहा है, सात का डिवाइड करके देख लेते हैं तो के यस सेवन का डिवाइड हो रहा है तो सात इक्कीस, सात चौक अट्ठाईस, सेवन फोर 28 और फिर सिक्स बचेगा तो सात नाम 63 और फिर ये सेवन और ये सेवन और ये सेवन, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 29 डिवाइड बाय 7 रेस टू दी पावर 3, यानी कि ये जो है वो इस रूप में नहीं आ रहा है, मतलब कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये अशांत होगा, अशांत और वो भी आवर्ती, यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग रिपीटेड रिपीटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इस गिवन रैशनल नंबर का। बाकी जो थ्योरी है वो आप लिख दीजिएगा जैसे कि आपने पुराने प्रश्नों में लिखा हुआ है। अब इसके बाद में जो आता है सिक्स्थ वाला, वो तो भैया बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कैसे आसान सा प्रश्न है, सिक्स्थ वाले में तो आपको दे ही दिया है 23 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 3, 5 रेस्ट टू द पावर 2, 2 रेस्ट टू द पावर 3 इनटू 5 रेस्ट टू द पावर 2। तो भैया ये तो डायरेक्ट इसी रूप में दिया हुआ है आपको, तो आप तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि ये तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग होगा, तो इट इज अ टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि शांत प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये। अब इसको आप लिख सकते हैं कैसे, 23 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 2, आप इसमें ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दीजिए ताकि हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन यानी डेसिमल फॉर्म में लिख सकें। दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा कि आपको यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें केवल ये बताना था कि इसका ये शांत है क्या अशांत है, तो वो तो आपने इतने में ही बता दिया कि भैया ये तो शांत प्रकार का क्यों है ये आपको पता है। अब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा था क्योंकि कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले रैशनल नंबर हैं आप उनका डेसिमल फॉर्म यानी उसका दशमलव रूप भी ज्ञात करिएगा, तो हम वो दशमलव रूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 23 पंचा आप कितना हो जाएगा, इट इज 103 यानी कि 115 और इसका हो जाएगा 2 रेस टू द पावर 3 इनटू 5 रेस टू द पावर 3, जिसको कि हम लिख सकते हैं 115 डिवाइड बाय 10 इनटू 10 रेस टू द पावर 3। तो जब आप दशमलव को इधर खिसकाएंगे तो ये 0.115 के रूप में आ जाएगा और यही आंसर आएगा 0.115। तो ये इसका डेसिमल फॉर्म हो गया, किसका, इस रैशनल नंबर का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, श्योर ना? मेन होता है आपके दिमाग में वो चीज चली जाना जिसकी मदद से हम ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर वो चली गई है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी, और जहां तक मेरा ख्याल है कि वो चली गई है। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी में ही क्वेश्चन नंबर 7 में जो नंबर आपको दिया हुआ है उसकी बनावट देख के तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भैया ये किस तरह का नंबर है। इट इज 2 रेस टू द पावर 2, 2 रेस टू द पावर 2 इंटू 3 रेस्ट 5 रेस टू द पावर 7 इंटू 5 रेस टू द पावर 7 और 7 रेस टू द पावर 5। तो इसमें ये दोनों तो हैं लेकिन साथ में एक दूसरा प्राइम नंबर भी है 7, जिसकी पावर 7 है। खैर कोई भी पावर 0 को छोड़ के अगर कुछ भी पावर है और वो डिनोमिनेटर में है 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर है, तो ये जो रैशनल नंबर होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, यानी कि अशांत और आवर्ती होगा। क्यों होगा ये भी आपको पता है, वो थ्योरम हम देख चुके हैं, तो ये आपके लिए छोड़ दिया, पूरा इसकी जो भी थ्योरी है लिख दीजिएगा। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ओके ये 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 पर अब आएंगे। ठीक, जो 8th क्वेश्चन है उस 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है, 6/15, और इस 6/15 में अगर आप ध्यान से देखें तो 3 से दोनों में एक 3 से कॉमन एक फैक्टर बन रहा है, वो 3 आप काट दीजिए तो ये बन जाएगा 2/5। ठीक, तो अब ये 2/5 बन गया, मतलब ये जो नीचे है ये 5 रेस्ट टू द पावर 1 के फॉर्म में आ गया है। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो कॉमन फैक्टर है हो सके तो उसको कैंसिल जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना? अब
और शुरुआत के जो क्वेश्चन हमने किए ना, ये जिनमें नॉन रिपीटिंग आपको आया है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया है, उनमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें कैंसिल हो रहा है, क्योंकि अगर आप ऐसे देख लेंगे बिना कुछ कैंसिल किए तो ये 3x5 के फॉर्म में है, लेकिन 3x5 के फॉर्म में होने के कारण वैसे तो इसका एक्सपेंशन कैसे दिख रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दिख रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो तीन कैंसिल हो रहा है, और अब जो रूप आपके सामने आया है 2/5 ये तो इस रूप में आ गया, कैसा, ये तो आ गया है 2/5 × 1 × 2^0, मतलब कि ये जो एक्सपेंशन है ये तो टर्मिनेटिंग टाइप का है, किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग टाइप का है, मतलब ये तो टर्मिनेटिंग हो गया है ना, टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, यानी कि शांत टाइप का हो गया ये, और अगर आप इसका एक्सपेंशन करेंगे यानी डेसिमल फॉर्म अगर आप इसको फाइंड करने के लिए जाएंगे, जो इसका डेसिमल फॉर्म है, तो वो जो डेसिमल फॉर्म है इट इज 2/5, तो 2/5 को आप लिख सकते हैं 0.4, तो 0.4 लिख देंगे तो ये इसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन हो गया, मतलब दूसरा भी साथ में खत्म हो गया, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में जो कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में लिखा हुआ है नीचे और 35/50, तो जो 9th क्वेश्चन है उसमें लिखा है 35/50, तो 35/50 में 5 कॉमन फैक्टर है, तो 5 तो कैंसिल कर दीजिए पहले, तो आपको मिल जाएगा 7 और नीचे मिल जाएगा आपको 10, तो नीचे तो हो गया आपका काम, क्या हो गया है, ये 2x5 के फॉर्म में आ गया, मतलब कि नीचे जो दो 10 बन गया है भैया, तो ये तो 2^m और 5^n के रूप में आ गया है, मतलब कि ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, और इसको जब आप डेसिमल रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो मुझे लगता है कि इट इज 0.7, तो दोनों काम हो गए, आप अब वो लिख दीजिएगा आगे आप, है ना, जमा के, हाँ जैसे कि ये इसी तरह से अलग से लिखिएगा आप इसको, वैसे यहां पर लिख दीजिएगा, वैसे टर्मिनेटिंग यानी कि शांत टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, और जो इसका दशमलव रूप है, दशमलव रूप है इसका 35/50 का, जो कि 7/10 के रूप में बदल गया है, इट इज 0.7, ठीक है। और जो 10th क्वेश्चन है लास्ट वाला, उसमें लिखा हुआ है 77/210, तो 77/210 जो है इसमें मेरे हिसाब से 3 से तो नहीं हो रहा है, मतलब कि ऊपर 11 और 7 के अलावा तो ये किसी से हो नहीं रहा है, 7 से कैंसिल हो रहा है, तो 7 से जब आप कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 और नीचे हो जाएगा 7×21 यानी कि 0, यानी कि 11/30 हो जाएगा। ये चेक करते समय कि जो नंबर है प्राइम जो आपको रैशनल नंबर दिया है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पता करने से पहले आप देख लीजिएगा कि ऊपर और नीचे वाले जो नंबर है उनमें अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे कैंसिल आउट कर देना है आपको, क्लियर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ लुक 11/30 को अगर आप देखें तो 30 को हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 2×3×5, तो जो डिनोमिनेटर है वो 2^n और 5^m के रूप में नहीं है, मतलब भैया ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है और एंड रिपीटिंग है, ठीक है ना, और रिपीटिंग है यानी कि अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती, ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया। तो कुल मिलाकर इन सभी प्रश्नों में आपने ये समझा होगा कि हमें उस गिवन रैशनल नंबर में पहचानना क्या है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि कुछ कॉमन फैक्टर तो नहीं है, अगर है तो कैंसिल कर दीजिए, फिर उसके बाद में जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, आप उसको चेक कर लीजिए कि उसमें आपको क्या दिख रहा है। अगर वो 2^m और 5^n के रूप में है तो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी अगर उसके डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में मिलता है आपको तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होगा, दैट्स ऑल। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर डायरेक्ट, क्योंकि 2 में जो हमने डिस्कस किया था वो हम कर चुके हैं। 3 में लिखा हुआ है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, इफ दे आर रैशनल एंड
ऑफ द फॉर्म पी बाय क्यू व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में हमसे ये कहा है कि ये जो संख्याएं आपको दी हुई हैं, आपको ये बताना है कि ये संख्याएं रैशनल नंबर हैं कि नहीं है। अगर हैं तो उनको p अपॉन q में लिख दीजिए और ये बताइए कि जो q है उसके फैक्टर्स क्या है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ये हमसे वो जानना चाह रहा है। तो भैया रैशनल नंबर तो वही बन पाएगा जिसके डिनोमिनेटर में 5^n और 2^n का रूप हो। साथ ही अगर वो नंबर टर्मिनेटिंग है हुआ तो भी वो p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेड हुआ तो भी लिखा जा सकेगा। तीन नंबर्स आपको दिए हुए हैं इसमें। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, जैसे कि जो पहला नंबर दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है, जो पहला नंबर है अगर आप उसको ध्यान से देखें, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट्स द फर्स्ट पार्ट, तो ये जो है इट इज 43.12345678 9 ऐसा दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है बेसिकली इट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है इसका। मतलब कि इस नंबर को आप रैशनल नंबर के फॉर्म में बदल सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं कैसे, आप इसको लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाय 10^ power। अब भाई देख लीजिए कि यहां तक डेसिमल को लाने के लिए 10 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10^9। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसको आप लिख सकते हैं 2^9 इंटू 5^9। तो आपने यहां पर लिख दिया ये रूप, ठीक है ना। तो ये तो आपको पहले ही समझ में आ गया था कि भैया ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है तो ये एक रैशनल नंबर ही होगा, लेकिन वो जो रैशनल नंबर का फॉर्म है वो क्या होगा, वो ये वाला होगा, और यहां पर भी जो डिनोमिनेटर है वो इस रूप में आएगा। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग सो इट कैन बी एक्सप्रेस एस पी बाय क्यू फॉर्म, एस पी बाय क्यू फॉर्म, दैट इज इट इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। So, its denominator q is of form 2^n into 5^m. That's all, simple. भाई इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, चूंकि दी हुई संख्या का दशमलव प्रसार शांत प्रकार का है, अतः यह एक परिमेय संख्या होगी जिसे p अपॉन q के रूप में भी लिखा जा सकता है, और इस परिमेय संख्या का हर q 2^n और 5^n के रूप में होगा। लेट्स ऑल भाई, सिंपल सी बात थी, आपको दिख रहा था कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है, या जो डेसिमल एक्सपेंशन है या डेसिमल फॉर्म जो दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग टाइप का है, तो ये एक रैशनल नंबर हो गई होगा, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस रूप में ही आएगा, क्योंकि इस रूप में आता है तभी टर्मिनेटिंग फॉर्म आता है डेसिमल एक्सपेंशन का, अदरवाइज नहीं आता है। अब भैया जो दूसरा नंबर है उसको देखिए, जो दूसरा नंबर है वो हमसे कह रहा है कुछ ऐसा, क्या कह रहा है भैया, वो आ रहा है
जीरो पॉइंट जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है गिवन या दिया हुआ है, दिया है 0.120, फिर 1200, फिर 1200 और फिर 1 to 4 times 0 और डॉट डॉट डॉट। मतलब कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप का है। मतलब कि ये जो संख्या है ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। क्योंकि देखिए जरा, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, दूसरा रिपीटिंग नहीं है। क्योंकि रिपीटिंग अगर होता तो 1 to 0 बार बार रिपीट होता, या कोई एक नंबर रिपीट होना चाहिए, सेट ऑफ नंबर रिपीट होना चाहिए, संख्याओं का एक समूह रिपीट होते रहना चाहिए, बार बार उसकी आवृत्ति होना चाहिए, पर ऐसे कुछ भी नहीं है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, चूंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, सॉरी अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती है, अतः यह संख्या अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो द गिवन नंबर इज अ इरेशनल नंबर। सिंपल, ठीक है ना। और जो थर्ड है, इसी में जो थर्ड क्वेश्चन है, उस थर्ड क्वेश्चन में आपको जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 43.1234567897 और उसके ऊपर लगा दिया है बार। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये एक द गिवन नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सो इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। और ये जो है, क्योंकि भैया ये देखो, ये बार का मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा नंबर रिपीट होगा बार बार, इट मींस दैट कि ये जो नंबर हुआ ये बेसिकली क्या हो गया है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक। तो ये एक रैशनल नंबर होगा, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो डेफिनेटली 5^n (2^n) के फॉर्म में होगा। आप चाहो तो यहां पे लिख दो, एंड इट्स डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 5^m (2^n), दैट्स ऑल। हिंदी में कैसे लिखेंगे, चूंकि यह है संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अतः यह एक परिमेय संख्या है, व इसके हर का रूप 2^n (5^m) के रूप में ही होगा, दैट्स ऑल, खत्म। तो यहां पर आपने तीनों संख्याओं को पहचाना कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, और अगर परिमेय है तो जो डिनोमिनेटर है वो किस रूप में आएगा ये भी आपने यहां पर लिखा। आप इस प्रश्नावली के जो एग्जाम्पल्स हैं बच्चों उनको भी करिएगा, वो आपके लिए फायदेमंद होगा, उनको जरूर देखिएगा। मेरा गणित पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, मुझे एक्सरसाइज को केवल सॉल्व करना नहीं अच्छा लगता है, एक्सरसाइज को सॉल्व करने के अलावा आपको जो थ्योरी दी हुई है वो भी पढ़ना चाहिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों। अगर आप पहले पढ़ के रखेंगे तो प्रश्नावली करते समय जब आप मेरा वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और
अगर आप केवल वीडियो वीडियो देखते हैं तो पूरा जब वीडियो हो जाए तो उस प्रश्नावली की थ्योरी को जरूर पढ़ के देखिएगा, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। एक एक एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करिएगा तो आपको गणित की ज्यादा अच्छी समझ विकसित होगी। और अगर आप इस विधि से क्लास 10th से ही पढ़ते चलेंगे और यही प्रोसेस आप 11th और 12th में भी जारी रखेंगे तो आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी जिंदगी भर। आप ये लिख के रख लीजिए, क्योंकि मेन होता है कि आप पढ़ना कैसे है ये अगर सीख जाए तो आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। तो पढ़ना कैसे है ये सीखिए, और यही चीज आप फिजिक्स और केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश में भी अप्लाई अगर कर देंगे तो आप खुद स्व अध्याय के द्वारा हर चीज हासिल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिंदगी में या जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता है, बस आपको उसके अनुसार मेहनत करनी होती है। यानी जिस फल को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए कुछ एक मेहनत का लेवल होना चाहिए, परिश्रम का एक सामर्थ्य होना चाहिए जो उसके लिए आवश्यक है। वो करिए, आपको सब मिलेगा। और जो मुझे ठीक लगता है मैं उसके अनुसार आपको जरूर बताता हूँ, गाइड करता रहता हूँ कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने आज क्या सीखा, कैसे सीखा और क्या क्या उसमें अंदर के पेजेस थे जो आपको ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे। ठीक है, हम जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, या सॉरी चैप्टर तो अब खत्म हो गया और इसमें कोई वो भी नहीं है आपके लिए अलग से, एक्सरसाइज भी नहीं है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हम जल्दी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको शुरू करेंगे और नए वीडियो लेक्चर में फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।